नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के कार्ड बनने के नाम पर जनता से हो रही लूट। जनपद पंचायत के अधिकारी दलालों के साथ मिलकर सरकार की योजनाओं को लगा रहे पलीता। मामला जनपद पंचायत किरनापुर का है, जहां पिछले कई महीने से जनपद पंचायत किरनापुर के अधिकारी और दलालों द्वारा जनपद पंचायत की लगभग सभी पंचायतों के लोगों से वृद्धावस्था पेंशन या अन्य पेंशन के नाम जोड़कर पेंशन दिलाने के नाम पर 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये लिए जा रहे, जिनमें लोगों से जरूरी कागजातों के साथ पेंशन फॉर्म भरकर जनपद पंचायत की पेंशन शाखा में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद चालू होता है खेल, जिसमें पेंशन अधिकारी अपने ऑपरेटर के साथ उन लोगों को भी पेंशन के लिए पात्र करते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम होती है, यानी किसी की 45 तो किसी की 50। जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेंशन केवल 60 साल के बाद ही मिलनी चाहिए और जमा किए गए फॉर्मों की उचित पेंशन शाखा के अधिकारी संबंधित पंचायतों को भेजना होता है, ताकि लोगों द्वारा जमा किए गए फॉर्मों में लोगों के सही जानकारी दी है या नहीं दी, इसका पता लगाया जा सके। लेकिन पेंशन अधिकारी और ऑपरेटर द्वारा इन फॉर्मों की जांच के संबंधित पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को नहीं भेजा जाता और खुद ही लोगों द्वारा जमा किए गए फॉर्मों में इनकी लोगों की कम उम्र को 60 साल करके पात्र बना दिया जाता है और लोगों की पेंशन चालू हो जाती है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। जबकि इस विषय पर हमने एक ऐसे ही एक दलाल कुंवरलाल कावरे से बात की तो उसने हमें गुमराह करते हुए लोक सेवा केंद्र किरनापुर के किसी अधिकारी को पैसे देने के साथ पेंशन दिलाने की बात कही, जो फिलहाल जांच का विषय है। नाम है आपका? जयकुर नाम है। कहाँ रहते हैं? ककोड़ी। ककोड़ी रहते हैं। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 28 साल। 58 साल? हाँ, 58 साल उम्र है आपकी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका कार्ड बना है वृद्धावस्था जो पेंशन का, कौन ने बना दिया? कुंवर कावरे जी। कितना पैसा दिए थे इसके लिए? 1500 रुपये। 3 महीने की पेंशन मिल गई? हाँ। जी। क्या नाम है आपका? समीला दांद्रे। दांद्रे। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके यहाँ नौकरी में कौन कौन है? बेटा भी है और बहू भी है। दोनों नौकरी में? हाँ। सरकारी नौकरी में? हाँ। उसके बाद भी आप लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जो मिल रही है? हाँ। वो किस तरह से मिल रही है? यही पेंशन, 60 साल की उम्र वाले इनको पेंशन मिलता है ऐसे करके। कौन ने बताया था? ये कुंवरलाल ने बताया था। अच्छा, कुंवरलाल कावरे। कावरे। अच्छा, इसके एवज में आप लोगों ने कितना पैसा दिए थे इस नाम जुड़वाने के लिए? वो महा एक एक माह में मिलते थे, वो एक मुश्त 500 2-2 सौ रुपया, दोपहर एक बार दिए 500 और एक बार दिए 400। यानी कुल मिला के आप लोगों ने 2 लोगों का ऐसा 1,000 रुपये दिया हुआ है। हाँ, हाँ। नाम जुड़वाने के लिए। अभी अब पेंशन आ रही है आप लोगों को? अभी नहीं आती है। अच्छा, अभी बंद हो गई है? 3 माह तक ही मिले, अभी गई नहीं हूँ मैं। अच्छा, आपने अभी पेंशन लेके नहीं आया? नहीं। लेकिन ये सारा काम कुंवरलाल कावरे ने ही करवाया आप लोगों का? हाँ। आपके यहाँ दोनों लोग नौकरी में है? हाँ। जी। आपका? डोंगरी। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं। ककोड़ी। वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलती है? हाँ जी, पर अभी नहीं मिला है। नहीं, अभी नहीं मिली, पर मिलती थी? हाँ जी। कितनी मिलती थी? 600 रुपये। 600 रुपये मिलती थी। अच्छा, ये बताओ, वृद्धावस्था पेंशन का कार्ड बनाने आपने पैसा दिया बता रहे थे? हाँ जी। कितना पैसा दिया आपने? किसको पैसा दिए थे कार्ड बनाने के लिए आपने? कुंवर को। कुंवरलाल कावरे को? कितना पैसा दिए थे? 500। एक कार्ड का? हाँ। और दो कार्ड का? वो बाद में दिए हैं 500। यानी कुल 1,000 रुपये दिए हैं आप लोगों ने? पेंशन मिली उसमें फिर कुछ? नहीं मिला। वो काट लिया उन लोगों ने? ग्राम ककोड़ी। यहाँ पर बहुत से लोगों के वृद्धावस्था पेंशन के कार्ड बनाए गए हैं, जिनकी उम्र अभी थी ही नहीं, मतलब 60 साल से कम लोगों के भी वृद्धावस्था पेंशन के कार्ड बने हैं। और इस कार्ड को बनाने के लिए आप लोग, आपको 1,500 रुपये भी दिए हैं, ऐसे बहुत से हितग्राहियों ने हमें बताया। तो ये जो राशि थी, आप जो फॉर्म और राशि किसके पास जमा करते थे? लोक सेवा में किससे देते थे? वहाँ कोई अधिकारी बैठता था? अधिकारी बैठता था सर, पर मैं परिचय नहीं लिया था उनसे। बाकी पैसा लोक सेवा गारंटी में ही देते थे आप? अच्छा, उसके बाद ऐसा और कोई अधिकारी जनपद पंचायत के अधिकारियों को दिया आपने पैसा? नहीं, सिर्फ लोक सेवा गारंटी। कितना पैसा देते थे आप? 1,000। अच्छा, उन लोगों की पेंशन क्या चालू हो गई जिन लोगों से आपने पैसा लिया था 1,500 रुपये, और कार्ड बन गए क्या उनके? कार्ड कोई कोई के बने हैं सर, और मैं उनसे पैसा पहले लिया नहीं हूँ। अच्छा, जब उनके खाते में पैसा आएगा तब पैसा लेते गया हूँ। अच्छा, कोई कोई खाते में पैसा नहीं आया तो उनसे लिया भी नहीं। नहीं लिया। बाकी ये पूरा पैसा आप लोक सेवा गारंटी में ही देते थे और वो कार्ड वहीं से बनते थे जी। अभी और कितने लोगों के दिए हैं आपने?
अभी तो दिया नहीं हूँ सर, अभी ये 2 माह हो गया, अभी बंद हो गया है। बंद हो गया, तो बाकी ये तय है कि आपने लोक सेवा गारंटी में ही पैसा दिया है जी। 1,000 रुपये। अच्छा, आपने कभी पूछा नहीं कि 1,000 रुपये और किस अधिकारियों को वो लोग देते हैं, कभी आपने बात की इस विषय में? नहीं, उनसे तो बात ही नहीं किया सर, मैं वो वहाँ फार्म ले जाके देते थे। अच्छा, और 1,000 रुपये देते थे जी। सर आपका परिचय? मैं जी के साथी सीओ जनपद पंचायत बालाघाट और किरनापुर का भी अतिरिक्त प्रभारी जी। सर जनपद पंचायत किरनापुर में ये तहसील के संबंध, जो पेंशन के संबंध में जो मामले आ रहे हैं, ये क्या मामला है? आपके संज्ञान में हमारे माध्यम से लाया गया है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ये पता चला है कि जनपद पंचायत किरनापुर में पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के पेंशन स्वीकृत हो गए हैं जो वो बता रहे हैं कि वास्तव में उनकी उम्र कम है, लेकिन हमारे पोर्टल के अनुसार उसकी उम्र जो 60 वर्ष है या निर्धारित जो आयु सीमा है उससे अधिक है ना, या वो ये कह सकते हैं कि पात्र हैं जी, तभी वो पेंशन स्वीकृत हो रहा है उन्हें। लेकिन आपके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वास्तविक उम्र उनकी कम है जी। इसके लिए मैंने एक जांच दल बनाया है, वो तो इस प्रकार के सभी संदिग्ध प्रकरणों की वो गहराई से जांच करेंगे कि वास्तव में उनकी उम्र सही है कि नहीं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ है कि नहीं। यदि यह पाया जाता है कि उनकी उम्र गलत तरीके से प्रूफ कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी पाया जाएगा, जिसने भी इस प्रकार से उम्र में छेड़छाड़ किया है, उसके विरुद्ध FIR की जाएगी और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। आपका परिचय? मैं गणेश कुमार बच्चे, ग्राम रोजगार सहायक ककोल। आपके यहाँ वृद्धावस्था पेंशन के कार्ड उन लोगों के भी बन गए हैं जिनकी एज 60 साल नहीं है, जबकि शासन के निर्देश हैं कि 60 वर्ष के बाद ही या 60 वर्ष तक के ही लोगों के वृद्धावस्था का पेंशन कार्ड बनेंगे, लेकिन जिनकी उम्र 45 है, 50 है, 55 है, 57 है, उन लोगों के भी कार्ड बने, तो ये कैसे संभव हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर ऐसा कुछ दलालों के कारण लोक सेवा के माध्यम से फॉर्म भरा गया और वहीं से पेंशन स्वीकृत कराई गई। हमें इस बीच बात की कोई जानकारी नहीं थी। हमने जब पेंशन प्रपोजल 21 तारीख के बाद जो आता है उसमें हमने जब लिस्ट निकाल के लाए और हमने इसको देखा, तो उस लिस्ट में 48 नाम फर्जी पाए गए, जिसकी जांच हेतु हमने मुख्य कार्यपालाधिकारी जनपद पंचायत को दी, पर आज तक कोई इसकी जांच नहीं हो पाई है। अभी जांच के भी आदेश जारी हुए हैं, आपने ऐसा बताया था हमें कि कब हुए थे वो जांच के? हुए हैं, पर इस बीच हमारे जो ग्राम पंचायत पंचायत के जो सचिव महोदय थे उनकी मृत्यु होने के कारण इसमें थोड़ी मतलब जी विलम्ब हुआ है, विलम्ब हुआ है, बाकी इसमें जांच चालू है। अच्छा, आपने अपनी तरफ से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कितने बार आवेदन किया था इस जांच के लिए? हमने इसकी जांच हेतु हमने 2 बार आवेदन किया जी। अभी जांच नहीं हुई है फिलहाल? जांच नहीं हुई है, जांच उन्होंने मेरे को फोन आया था 2-3 दिन पहले, तो बोले एक दिन आके कर देंगे, एक ग्रह को बुलाकर